लोग एक दो नाव मंगवाए हैं, ट्रिप पर गए हैं, दो नाव मंगाए किराए पर बेलघाट से, बेलघाट से, बेलघाट से नाव किराए मंगाए हैं। थर्माकोले से ऊपर से चौकी बिछावल बा, रस्सी से बांधल बा, कोई प्रशासनिक मदद नहीं मिली आप? नहीं, क्या करे, डर तो लगता है। ये पंप का है, इसमें हम लोग चारपाई बांधे हैं, यहाँ से वो पार जाने के हम लोग का दिक्कत है। गोरखपुर शहर का जो दक्षिणी छोर है वहाँ पर हमें महेवा, ये ट्रांसपोर्ट नगर का इलाका है, और आप देख सकते हैं तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि पानी में किस तरह ये पूरा इलाका डूबा हुआ है, और लोगों को जुगाड़ की जो नाव है थर्माकोल पर, आप देख सकते हैं कि चौकी बांध के जुगाड़ की नाव और दो महिलाएँ इस पर अपने घर से आ रही हैं, जो घर इनका डूबा हुआ है वहाँ पर पूरा। और ये तस्वीरें आप देख कर हैरान भी हो जाएंगे, क्योंकि गोरखपुर शहर है जहाँ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और जहाँ इस तरह की बाढ़ की विभीषिका दिखाई दे रही है। हालांकि रोहिन और राप्ती के साथ घाघरा भी अब उतर रही है, नीचे पानी उतर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी नदियां जो है खतरे के निशान के ऊपर हैं, और ये राप्ती नदी का ये पूरी बाढ़ का पानी है। और ये दोनों देखिए महिलाएँ चूल्हा और सिलेंडर लेकर यहाँ पर उतर रही हैं सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए, और इतने दिन बाद भी जो बाढ़ की विभीषिका है उसका ये रूप दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और थोड़ा हम यहाँ पर बात भी कर लेते हैं, कहाँ से ये महिलाएं आ रही हैं और आखिर क्या वजह है कि इस ये नाव, आप देख सकते हैं किस तरह से इसको तैयार किया गया, नीचे थर्माकोल का ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर ये चौकी और जुगाड़ का ही ये चप्पू भी बनाया गया है। और इन महिलाओं से हम बात करते हैं, ये बताइए क्या नाम है आपका और आप कहाँ से? ये किस चीज का बना हुआ है ना? थर्माकोल से चौकी है। कितना पानी होगा यहाँ पर? डूबा हुआ है, हाँ एकदम डूबा हुआ, सर डूबा हुआ है। डर नहीं लग रहा है इस पे? आप लोग सिलेंडर चूल्हा लेके कहाँ जा रहे हैं आप लोग घर? यही बनवा पे। कौन कौन है परिवार में आप? परिवार हमारे चाटी बच्ची बच्चे हैं, हमारा पति है, सासू है, देवर है, देवरानी है, एक बच्ची और। कितना पानी लगा हुआ है घर के अंदर? घर के अंदर इतना है। सारा सामान वामान आपने कहाँ रखा? सब बेकार हो गया, रद्द हो गया। अभी कितने दिन लग रहा है ऐसे ही पानी रहेगा? कुछ घट रहा है पानी? घटल तो बात थोड़ा सा, लेकिन उतना नहीं घटल हुआ पानी, आसान आए बमी ठीक है निकल एक पानी के। अभी कितने दिन बंधे पे ऐसा लग रहा है कि शरण लेना? अब दो महीना लग जाएगा। सरकार की तरफ से मदद मिली है, राशन या कुछ नाव की व्यवस्था दिख रही है? कुछ नहीं मिला है, नहीं। जुगाड़ की नाव चलानी पड़ रही है? हाँ, क्या करें, हम लोग को नया नहीं मिलता है। कैसे आ पा रही है? इतना डर डर नहीं लगता होगा पानी? अब क्या करल जा। कैसे बनाया आप लोगों ने इसको? रस्सी से बांधल बा, थर्माकोल बा, ऊपर से चौकी रखल बा। एक महिला और है, इनसे भी जान लेते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका और कहाँ से आप हैं? किस इलाही जेठान है। तुम ये बताइए कितनी मुश्किलें हो रही हैं आप लोगों को और कितने लोगों का दिक्कत हो रही है ना? परेशानी हो रही है, सामान डूब गया हमारा। अभी नाव चला रही थी तो कितना डर नहीं लगता है? जुगाड़ की नाव, जुगाड़ का कैसी नाव था, और क्या करें, सामान डूब गया है तो बचाना पड़ेगा कुछ भी। क्या क्या आप लोग लेके आ रही हैं? सिलेंडर है, चूल्हा है बस, और बाकी सब सामान छोड़ दिए। सारा सामान आपने छोड़ दिया है? अभी अभी कितनी दूर से आप आ रही हैं? ज्यादा अंदर है, गहरा में घर में। कहाँ जाएंगी आप यहाँ से? बंदी पर रहेंगे डेरा डाल कर। कितने दिन अभी ऐसे ही रहना पड़ेगा? रहेगा दो तीन महीना। दो तीन महीने की अभी इनको लग रहा है कि ऐसी दिक्कत है, और ये जुगाड़ की नाव पे आप देख सकते हैं एक और जो थर्माकोल की बनी हुई आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जो जुगाड़ की नाव चौकी बंधा हुआ है उस पर भी आप देख सकते हैं कुछ बच्चे बैठे हैं, और एक कोई युवक उस जुगाड़ की नाव को खे रहा है। ये तस्वीरें आपको थोड़ा डराएंगी भी, चूँकि छोटे छोटे बच्चे हैं और जुगाड़ की नाव पर बैठे हैं। थर्माकोल की नाव है और ये नाव कभी भी पलट सकती है, क्योंकि
इसके ऊपर चौकी बांधी गई है और ये खतरा बरकरार है। और अगर सवाल ये है कि प्रशासन मदद कर रहा है, हर तरह से मदद के दावे कर रहा है, तो आखिर क्या वजह है कि इस जुगाड़ की नाव पर लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है? नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।